हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो नेगेटिव बार, और जो लगभग दिखा रहा है 5.15% डाउन। तो इस महीने हम ट्रेड करें लगभग 5% प्लस डाउन, लगभग 882 रुपये नीचे ट्रेड करें। तो हमने ऑलरेडी 900 रुपये का लॉस देखा है, और यहाँ जो है तो फिर भी नीचे के लेवल से निफ्टी जो है तो अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। आप देख सकते हो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने 500 पॉइंट की रैली देखी थी लगभग 3.21%। तो उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह से हम गिर रहे हैं नीचे। और यहाँ जो है तो आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो 20 मंथ का जो एवरेज है उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो था 15,500। उसके नीचे जो है तो 13,500 के टारगेट आते हैं, और मुझे लगता है कि शायद निफ्टी जो है तो 13,500 और 11,000 के लेवल की तरफ बढ़ सकता है। 13,500 जो है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वहाँ से पॉसिबिलिटी रहेगी रिवर्सल की ऑन लॉन्गर टर्म होराइजन। अगर उसके नीचे जाता है तो 11,000 जो लेवल रहेगा वो एक वैल्यू बाय लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जिन्हें आप अगले 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो उनके लिए 11,000 उसके नीचे लेवल जो है तो वैल्यू बाय रहेगा, और वहाँ जो है तो आपको लमसम या फिर एक्यूमुलेशन शुरू कर देना चाहिए विथ अ मिनिमम 3 to 5 ईयर व्यू। लास्ट मंथ हमने लगभग 2% का लॉस देखा था, इस महीने हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 5% प्लस लॉस के साथ। और यहाँ क्लियरली टॉप आउट पैटर्न दिख रहे हैं निफ्टी पे ऑन मंथली चार्ट। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम जो है तो ट्रेड कर रहे हैं 20 और 50 वीक का जो एवरेज है उसके नीचे, और यह बैंक निफ्टी जो है तो पिवोट के नीचे सरक चुका है। यह अभी बाउंस बैक की, इस हफ्ते हमने बाउंस बैक देखा है लगभग 3% का, और मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक एक्सटेंड हो सकता है। अगर ये एक्सटेंड होता है तो ऊपर तक हम 17,000 के लेवल देख सकते हैं, मगर वहाँ जो है तो वहाँ से फिर से हम जो है तो नीचे के लेवल फिर से स्टार्ट करेंगे, नीचे के लेवल की तरफ। जर्नी हमारी नीचे की तरफ ही रहेगी। वीकली चार्ट पे 15,200 ये पहला सपोर्ट है एवरेजेस का, और उसके बाद में 13,400 का। तो ये लेवल जो है तो ये मीडियम टर्म टारगेट रहेंगे निफ्टी के लिए। मुझे लगता है कि 17,000 के अराउंड मिलता है तो आपको जो है तो निफ्टी पे बेरिश जाना चाहिए विद अ स्विंग ट्रेड और मीडियम टर्म होराइजन। टारगेट रहेंगे 15,200, उसके बाद में 13,400 के टारगेट आपको आने वाले हफ्तों और महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली ऊपर की तरफ बहुत सारे रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि हम शायद 16,650 का ही लेवल पार नहीं कर पाएंगे। अगर उन लेवल की तरफ आता है निफ्टी तो वहाँ बिल्कुल शॉर्ट जाने की सलाह होगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आपको फिर से मौका मिलेगा 17,000 के अराउंड सेल करने का विथ, और यह स्टॉप लॉस छोटा ही रखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का, क्योंकि यह अगर रिवर्सल मिलता है आपको तो 100 पॉइंट के अगेंस्ट आपको 500 या 1000 पॉइंट की रैली मिल सकती है। तो उतना रिस्क आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आपका रिवॉर्ड जो है तो बहुत बड़ा बैठता है अगेंस्ट रिस्क। तो यहाँ क्लियरली मेरा व्यू जो है मीडियम टर्म व्यू भी जो है तो बेरिश है। यहाँ हम एक बाउंस बैक की तैयारी कर रहे हैं, और ये बाउंस बैक मैक्सिमम 17,000 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ 16,650 और 17,000 ये दो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए अगले हफ्ते के लिए। नीचे की तरफ 15,200 ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 200 डेज का एवरेज तोड़ा, उसके बाद में एक शार्प हमने सेल ऑफ देखा है। अभी यहाँ जो है तो हम ओवरसोल्ड रीजन से बाउंस बैक कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत ही उठा पटक देखी मार्केट में, आप देख सकते हो कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो यह और मगर मार्केट जो है तो जो पिछला सपोर्ट है 15,800-900 का, आप देखोगे वीकली चार्ट में तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। आप यह देख सकते हो कि किस तरह से यह एक्युमुलेशन हो चुका है, तो ये इतना इजी नहीं होगा। और ये सपोर्ट टूट जाता है तो हम सीधे ट्रैवल करेंगे 14,000, 13,400 या 500 के लेवल की तरफ। तो वो लेवल जो है तो बहुत सिग्निफिकेंट है, वहाँ से इसीलिए बाउंस बैक आ रहा है। डेली चार्ट पे आप देखोगे कि यह जो है तो आप क्लियरली देख सकते हो ऊपर की तरफ 16,480 या 16,500, उसके बाद में 16,700, ये दो लेवल जो है
तो ये शॉर्ट टर्म बाउंस बैक के लिए दिखते हैं, और लास्ट एवरेज जो है तो 17,000 के अराउंड, जो हमने वीकली चार्ट पे भी देखा है। तो यहाँ जो है तो ये रिवर्सल या फिर शॉर्ट कवरिंग रैली 17,000 तक जा सकती है। यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस रहेंगे, इतना ईजी नहीं होगा क्रॉस करना। तो पहले 16,500, 16,700 और उसके बाद में 17,000 के लेवल जो है तैयार रेजिस्टेंस काम करेंगे। मुझे लगता है कि 16,700 से ही मोस्ट प्रोबेबली हम जो है तो नीचे फिर से फ्रेश सेलिंग आते हुए देखेंगे मार्केट में। तो यहाँ मेरी सलाह रहेगी कि हम जो है तो सेल ऑन राइज भी रखेंगे, और 16,700 के अराउंड मेरा सेफ शॉर्ट रहेगा। उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 16,850 का, और टारगेट रहेंगे मेरे, अगर 16,700 पे शॉर्ट जाता हूँ मैं तो मेरे टारगेट रहेंगे उसके बाद में 16,100 और उसके बाद में 15,200। और ये जो है तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आ सकते हैं, इसका मतलब ये टारगेट आने के लिए कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तो उस तरह से आपको ये ट्रेड प्लान करनी होगी। अगर आप फ्यूचर में लेते हो तो आपको नेक्स्ट सीरीज का फ्यूचर शॉर्ट करके चलना है, वो शॉर्ट करना है आपको 16,700 के अराउंड। यहाँ से अभी जो है तो मार्केट 16,300 के अराउंड है, 700 मतलब यहाँ से 400 पॉइंट। मगर यहाँ लॉन्ग साइड जाना है कि नहीं, जा सकते हो, मगर इंट्राडे बेसिस पे। हम कोई भी लॉन्ग जो है तो पोजिशनली कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मार्केट जो है कभी भी जो प्राइमरी ट्रेंड है उस पे उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ अगर लॉन्ग जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लॉन्ग जाएंगे इंट्राडे में ही, और हमें जो शॉर्ट पोजिशन कैरी करनी है वो हम बनाएंगे रेजिस्टेंस के अराउंड, और यहाँ मेजर रेजिस्टेंस है 16,700 का। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 16,700 का वेट कीजिए, उसके अराउंड आता है तो आपको इन द मनी पुट ऑप्शन लेकर चलना है। उसमें आपको 2x टू 3x गेन देखने को मिलेंगे अगर आप इन द मनी पुट ऑप्शन लेकर चलते हो अराउंड 16,700। उसके लिए मगर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 16,850 का। अगर वो टूट जाता है तो फिर से आपको नया शॉर्ट बनाने की मौका मिलेगा, वो बनेगा 17,000 के अराउंड। तो ये यहाँ जो है तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा सेल ऑन राइज ही व्यू रहेगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस के अराउंड आता है मार्केट तो ही सेल करेंगे। अभी यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मुझे लगता है कि 16,700 और 17,000 के लेवल भी आ सकते हैं अगर बाउंस बैक एक्सटेंड होता है तो, मगर 16,700 यहाँ जो है तो अच्छा खासा सप्ला आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, और वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है तो अच्छा खासा आपको नीचे की तरफ गिरते हुए या फिर कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो 16,700 पे हम फ्रेश शॉर्ट बनाएंगे अगर उस लेवल पे मिलता है तो, और लॉन्ग साइड ओनली इन इंट्राडे, उसको कैरी नहीं करेंगे हम, कोई भी लॉन्ग पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो इंट्राडे में ही लेंगे और इसको इंट्राडे में ही क्लोज कर देंगे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट प्रीमियम कॉल चाहिए तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।